आपको टॉपिक जो पहला करना है वो हिंदी भाषा का इतिहास करना है, ठीक है। हिंदी भाषा का इतिहास, तो बेसिकली आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इतिहास पढ़ने वाले हैं, और एक लैंग्वेज का इतिहास पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम हिंदी रखा गया है, ठीक है। अब आप सबसे पहले क्या बात याद रखेंगे कि भाषा हिंदी है क्या, तो हिंदी एक भाषा है। और व्याकरण वाला पार्ट तो छोड़ दो, हम तो बेसिकली जिस पार्ट के पीछे लगे हैं वो भाषा है। तो आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या आई कि भाषा होती क्या है, किसे कहते हैं भाषा। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाषा का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, न सिर्फ विचार बल्कि विचार के अलावा कुछ और चीज़ भी। कौन कौन सी चीज़ों के आदान प्रदान का माध्यम होती है भाषा, तो मैं कहूँगा सबसे पहले थॉट्स जो होते हैं, किसी भी आदमी के मन के अंदर जो थॉट्स उत्पन्न होते हैं, और थॉट्स के लिए क्या शब्द यूज़ करेंगे, विचार। यानी जब मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके सुनना चाहता हूँ, तो विचारों को सिर्फ एक तरफ, वन वे नहीं कि मैंने अपने विचार आपके सामने रख दिए तब उसे भाषा नहीं कहेंगे। भाषा का मतलब है जब विचारों का आदान प्रदान हो सके। विचारों का आदान प्रदान कितने तरीके से हो सकता है, मैंने आपको कुछ बोला आपको समझ में नहीं आया, मैंने अंग्रेजी में आपको कुछ बोल दिया आपको एक भी बात पल्ले नहीं पड़ी, और आप उसका जवाब मुझे हिंदी में दे रहे हैं और आप बोल दे रहे हैं क्या, और वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तो इसे हम भाषा नहीं कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी भाषा है, पर तुम्हारे और मेरे बीच ये माध्यम का काम नहीं कर पाई, तुमको और मेरे को आपस में जोड़ नहीं पाई, इसलिए हम इसे भाषा नहीं कहेंगे। भाषा किसी को कब कहेंगे, जब मेरे विचारों का आदान प्रदान हो सके। तो विचारों का आदान प्रदान करना या फिर जो आपके इमोशंस हैं, जो किसी भी व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मन के भावों का आदान प्रदान के लिए, अपने मन के भावों के आदान प्रदान के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है वो भी भाषा है। विचारों के आदान प्रदान के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है वो भी भाषा है। इन्फॉर्मेशन यानी कोई सूचना है, मुझे आपको कोई सूचना देनी हो तो किसी भी सूचना को देने या उसे समझने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है वो भी भाषा है। और ये जो चीज़ है ना, विचारों का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान या सूचनाओं का आदान प्रदान, इनको मैं अगर एक शब्द में लिख दूं तो इनके लिए एक शब्द हिंदी में चलता है, संप्रेषण, ठीक है। एक वर्ड इसके लिए क्या यूज करेंगे, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर पाए, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे से वापस से प्रश्न पूछ पा रहे हैं। तो जब विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे संप्रेषण कहेंगे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए दो तार होने जरूरी है ना, और दोनों तार आपस में कनेक्ट होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, और दोनों तार आपस में कनेक्ट हो रहे हैं जिस मीडियम से, जिस माध्यम से, बस उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी आप चाहो तो ये कह सकते हो कि भाषा क्या है, विचार, भाव, सूचना, चेतावनी, अंतर्द्वंद का आदान प्रदान, या आप एक लाइन में कह सकते हो कि भाषा क्या होती है, तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है। दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए जिस मीडियम का हम प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। हमारा टॉपिक इसी भाषा में, हिंदी जो भाषा है, इस भाषा का इतिहास पढ़ना है। दुनिया भर में वैसे तो 7,000-8,000 भाषाएं बोली जा रही है, तो उन भाषाओं में हम पर्टिकुलर उस भाषा को उठा रहे हैं जो भाषा हमारे देश में खासकर नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, हिंदी भाषा। तो इस हिंदी भाषा का क्या इतिहास था, इसको आपको एक बार समझना है। इतिहास है ना, बेसिकली हम ना हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं आज, और ना ही हम हिंदी के अंदर कोई व्याकरण पढ़ रहे हैं। हमारा तो टॉपिक ही हिस्ट्री है, ये जानने का है कि ये जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से ये हिंदी भाषा जो है ये निकल करके आती है। तो अब आप एक दो बातें समझना जिससे आप कुछ बेसिक बातें निकाल सको। देखो, क्योंकि ये इतिहास है और इतिहास का मतलब कहानी है, और जिस चीज़ का हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो एक भाषा है, हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा का क्षेत्र तो यही है, ठीक। अब सिंपल सी कहानी है, आप इस कहानी को बस बेसिक तौर से समझते रहना। ये माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व, जब सन एक था उससे 1500 साल पीछे चले जाओ, तो 1500 ईसा पूर्व के दौरान मध्य एशिया से, मध्य एशिया की पहचान कैसे करेंगे, तो भूमध्य सागर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है मध्य एशिया। तो 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से कुछ लोग भारत के अंदर आए जिन्हें कहा गया आर्य। जो लोग 1500 ईसा पूर्व भारत में एंट्री करते हैं उन्हें आर्य कहा जाता है।
तो 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों की एंट्री होती है। अब दो मिनट के लिए इसको यहीं छोड़ दो, इससे पहले की बात करते हैं, इनके आने से पहले जब ये लोग नहीं आए तो क्या ये जमीन खाली पड़ी हुई थी? नहीं ना, यहां पर कोई ना कोई व्यक्ति रह तो रहा था। तो इनके आने से पहले जो लोग यहां रह रहे थे, आर्यों से पूर्व यानी आर्यों के पूर्ववर्ती, आर्यों के आने से पूर्व की क्या दशा थी? तो भाई आर्यों के आने से पहले भी कोई ना कोई व्यक्ति यहां पर रह ही रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो जो लोग आर्यों के आने से पूर्व यहां पर रह रहे थे, उन लोगों के बारे में थोड़ा 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 आप जान लें। सबसे पहले वो लोग जो यहां पर रहते थे, जो इस क्षेत्र में रहते थे, इस क्षेत्र में रहते थे, इस क्षेत्र में रहते थे, ये इस वाले क्षेत्र में जो भी लोग रहते थे, उन लोगों को नाम दिया जाता है। और एक सबसे सरल बात आप ध्यान में रखो कि यदि आपको भाषा और बोलियां भी याद करनी पड़ जाए तो फिर समझो फिर तो कहानी खत्म है। भाषा और बोली याद नहीं की जाती है, और भाषा और बोली का नाम नहीं होता है, क्षेत्र का नाम होता है, बोली का नाम उसी से निकल जाता है। हम जहां अभी है ये है गढ़वाल, तो यहां की बोली क्या होगी? उधर वाले को बोलते कुमाऊं, तो वहां की बोली कुमाऊनी। मैं कहूंगा उड़ीसा की बोली उड़िया, महाराष्ट्र की बोली मराठी महाराष्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है ना। जौनसार की बोली जौनसारी। बोली का थोड़े ही नाम होता है, नाम तो क्षेत्र का होता है। तो भाषा का अध्ययन करने के लिए आपको ज्योग्राफी का अध्ययन करना है बेसिकली। अगर आपको क्षेत्र के नाम पता है तो आप सारी भाषा ही निकाल देंगे। तो जिस समय आर्य नहीं आए थे उस समय अंडमान निकोबार, ये जो पूरा का लक्षद्वीप समूह, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, वहां मानवों की जो प्रजाति निवास करती थी उसे कहते थे निग्रीडो। मानवों की सबसे पुरानी प्रजाति कौन है? निग्रीडो। आज भी निग्रीडो जनजाति के जो लोग हैं वो आपको अंडमान में ही देखने को मिलेंगे। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में निग्रीडो लोग रह रहे थे। तो वो जो भाषा बोलते थे उस भाषा का नाम ही है निग्रीडो भाषा। उस भाषा का नाम ही क्या हो गया? निग्रीडो। निग्रो लोगों की जो भाषा थी। तो आर्यों के आने से पहले इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो निग्रीडो भाषा बोल रहे हैं। दूसरा ये देखो, एक केरल, एक तमिलनाडु, एक कर्नाटक, पूरा आंध्र, तेलंगाना तो आज बना है, तो मैंने पूरा का पूरा पोर्शन ले लिया। एक केरल, केरल के अलावा तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक, और कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश। तो ये जो इतना क्षेत्र है ना, इसको मैं एक बार हटा के देख लूँ, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें गोवा को आप इंक्लूड नहीं करोगे, आगे दिक्कत आ जाएगी। गोवा को छोड़कर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, कौन कौन से राज्य इसके अंदर आ रहे हैं? तो सर इसके अंदर आंध्र प्रदेश एक आ गया, तेलंगाना तो अभी बना है, ये देखो आंध्र प्रदेश, इसके नीचे कर्नाटक, इसके नीचे तमिलनाडु, और इसके नीचे केरल। इसे दक्षिण भारत कहते हैं। ये दक्षिण भारत है, चाहे दिखने में तो आपको महाराष्ट्र भी दक्षिण में दिखाई देगा, लेकिन ये दक्षिण भारत है। तो इस दक्षिण भारत के अंदर जो भाषा उस समय चल रही थी, आर्य नहीं आए थे, यहाँ के लोगों की मान्यता ये है कि हम आर्य नहीं है, हम तो यहीं के हैं, हम तो भारत के मूल निवासी है। तो ये जो लोग हैं जो भारत के मूल निवासी है, जो यहीं रहते थे आर्यों के आने से पूर्व, उन लोगों को कहा जाता है द्रविड़। नाम बहुत कॉमन है, सुना होगा। तो ये जो भाषा बोल रहे थे उसको हम सरल तौर पर द्रविड़ भाषा कह दे रहे हैं। अभी बाद में इसके टुकड़े करने पड़ेंगे ना, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, अलग अलग भाग। तो आर्यों के आने से पहले भारत में निग्रीडो लोग रह रहे थे, तो वो जो भाषा बोलते हैं उसको निग्रीडो भाषा बोल दिया जाता है। द्रविड़ लोग जो भाषा बोलते थे उसे द्रविड़ भाषा ही कहा जाता है। तीसरा क्षेत्र आप देखो, आर्यों को, आर्यों के यहां आने से पहले, ये देखो इस क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा, ये बिहार, बिहार के अलावा बिहार के जस्ट नीचे चलो झारखंड, और ये जो आपका पश्चिम बंगाल या बंगाल जो भी आप कहोगे, ये वाला जो क्षेत्र है, आर्यों के आने से पूर्व इस क्षेत्र में जनजातियों का निवास था। खूब सारी जनजातियां, आज भी आप देखो तो वहां पर बहुत सारी जनजातियां रहती है। संथाल लोग वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, हो जनजाति आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो आर्यों के आने से पूर्व जो लोग इस क्षेत्र पर निवास कर रही थी, जो जनजातियां यहां पर निवास कर रही थी, वो जो भाषा बोलती थी उसे भाषा वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ऑस्ट्रिक। इस भाषा को क्या नाम दिया? इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिक भाषा। अलग अलग उसके अंदर आ जाएंगे, संथाली भाषा, हो भाषा, ऐसा चोमुंडा भाषा, ये सब भाषाएं बोल रहे थे। और उस पूरे भाषा को मैंने एक नाम दे दिया ऑस्ट्रिक। और फिर आ जाओ जी इस क्षेत्र पे, ये देखो ये पूरा का पूरा जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर का जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र पर इस समय जो लोग निवास करते थे, आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमारे राज्य पर जो शक्ति शासन करती थी उसे कहते थे किरात। आप पढ़ते ना, सबसे पहले कौन रहते थे यहाँ? कोल, और कोल के बाद किसका एंट्री हुआ? किरात।
तो ये लोग जो भाषा बोलते थे उसे बोलते थे किरात, आर्यों की एंट्री से पहले, आर्य नहीं पहुंचे अभी, आर्यों के आगमन से पहले। तो जब मैं पढ़ रहा हूं हिंदी भाषा का इतिहास, तो उसमें मेरे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि भारतवर्ष में आर्यों की जो पूर्ववर्ती भाषा थी, आर्यों के यहां आने से पहले जो भाषा यहां पर चल रही थी, उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया, चार भागों। कौन कौन सी भाषाएं, तो आप देख लो किरात, अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कोई पूछे किरात भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती थी, पहाड़ों में जो भाषा चलती थी वो किरात थी। इसके अलावा किरात से नीचे आओ तो यहां जनजातीय क्षेत्र कौन कौन सा देखो, बिहार, झारखंड और बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में जो भाषा बोली जा रही थी उस भाषा का नाम था ऑस्ट्रिक। अब बाद में भाषा परिवार बनाते हैं, आज भी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को वहीं पर रखा गया। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो लोग भाषा बोल रहे थे वो कौन सी थी, द्रविड़। और अंडमान निकोबार और उसके आसपास के क्षेत्र में कौन रह रहे हैं, निग्रीडो। तो ये चार भाषाओं को जनरली आर्यों की पूर्ववर्ती भाषा मानी जाती है, मतलब आर्यों के आने से पूर्व ये भाषाएं भारत में चल रही थी, चार भाषाएं आर्यों की पूर्ववर्ती भाषा। एक प्रश्न बन सकता है चुनने के लिए कि इनमें से आर्यों की पूर्ववर्ती भाषा कौन सी है, अभी आप उत्तर देने की स्थिति में है नहीं, अभी नहीं हो उस स्थिति में, क्योंकि अभी आपने इसके अंदर घुस के नहीं देखा। तो जब लेक्चर पूरा कर लें, अभी मान लो आपको पास प्रश्न आया निम्न में से आर्यों की पूर्ववर्ती भाषा है और ये चार आपको ऑप्शन ही ना दिखे, इन चार की जगह कन्नड़ लिखा हुआ मिल जाए, तेलुगु लिखा हुआ मिल जाए, तो इसके अंदर अभी कुछ भाषाएं छुपी है ना, द्रविड़ के अंदर कौन कौन आती है, ऑस्ट्रिक के अंदर कौन आती है, किरात में कौन आती है, निग्रीडो में कौन आती है, बात की बात है। अभी हमने मोटी मोटी कहानी ये बनाई कि आर्यों के इंडिया एंट्री करने से पहले ये भाषाएं यहां पर बोली जा रही थी, तो ये क्या हो जाएंगी, आर्यों की पूर्ववर्ती भाषा। फिर भाई साहब ये एंट्री कर गए आर्य 1500 ईस्वी में, और जब आर्य यहां पर आए तो वो अपने साथ जिस भाषा को लेकर के आए उसे हम नाम देते हैं आर्य भाषा। सिंपल बात, भाषा कौन लेकर के आ रहा है, आर्य, तो जो वो भाषा अपने साथ लेकर के आए उसे हम नाम दे देते हैं आर्य भाषा। तो मैंने ये टॉपिक बना दिया आर्य भाषा, ठीक है, आर्य भाषा, आर्य जो अपने पास लेकर के आए। अब इस आर्य भाषा का विकास हुआ है और हम जो भाषा आज कह रहे हैं ये भाषा आर्यों की ही देन है, आर्य भाषा ही आगे जा जाके हिंदी में जाकर के कहानी खत्म करेंगे, हिंदी भाषा का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो ये जो आर्य भाषा है इसमें आपको एक पॉइंट बहुत बढ़िया से दिमाग में बैठाना है कि 1500 ईसा पूर्व जो आर्य है वो सिर्फ भारत ही आए क्या, जो मध्य एशिया से आर्य चले सबके सब भारत आए ऐसा जरूरी तो नहीं ना, इसमें से कुछ लोग रसिया चले गए तो उन्होंने वहां भी एक आर्य भाषा ले गए, एक आर्य भाषा भारत में चली, एक आर्य भाषा ईरान में चली, एक आर्य भाषा आपके कश्मीर के ऊपरी क्षेत्र में चली। तो हम जिस आर्य भाषा का अध्ययन करते हैं इसे हम नाम देते हैं भारतीय आर्य भाषा, यानी कि आर्यों के द्वारा भारत में जो भाषा लाई गई उसे नाम देते हैं भारतीय आर्य भाषा। अब इसको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जो भारतीय आर्य भाषा है इसके तीन टुकड़े हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारतीय आर्य भाषाओं का सबसे पहला दौर जिसे कहते हैं प्राचीन आर्य भाषाएं, जब आर्य आए थे और वो अपने साथ लेकर के आए थे एक भाषा जिसे हमने नाम दिया आर्य भाषा, तो उसका पहला दौर जो है उसे हम नाम देते हैं प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा आर्यों के भारत आने के साथ ही शुरू होती है 500 ईसा पूर्व, और प्राचीन आर्य भाषा में सबसे मेजर परिवर्तन आएगा तब जब महात्मा बुद्ध अपने उपदेश देने प्रारंभ करते हैं, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व तक जो भाषाएं भारत में चलती थी उन्हें हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक चलेगा, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 500 ईसा पूर्व तक। फिर 500 ईसा पूर्व के बाद जो आर्य भाषा भारत में विकसित होगी उसे हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होगी और 1000 ईस्वी में खत्म होगी। यहां थोड़ा डाउट है, अलग अलग विद्वान अलग अलग डेट देते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ किताबों में 1100 एडी मिल जाए, कुछ लोगों का मानना है कि 1100 एडी तक, लेकिन एक जो सर्वमत तिथि अगर हम लेके चले तो 1000 एडी तक। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 एडी तक भाषा विकसित होकर, या विकसित तो नहीं कहेंगे उसको, आप समझो कि खराब होकर, टूट टूट कर, सरल होकर जिन पड़ावों से गुजरी उन सभी भाषाओं को मध्यकालीन आर्य भाषा नाम देते हैं। 1000 एडी के बाद जो भाषा विकसित हुई वो आधुनिक आर्य भाषा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक
भारतीय आर्य भाषा, ये 1000 AD से स्टार्ट होती है और आज तक का जो दौर है इस पूरे दौर को हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंदर पढ़ लेते हैं। तो आपके पास वो भाषा जो आर्य इंडिया के अंदर लेकर के आए थे उसे हमने नाम दिया भारतीय आर्य भाषा। और भारतीय आर्य भाषा के कितने दौर बना दिए? 3, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो हिंदी है वो बेसिकली इन्हीं भाषाओं में से तो निकल के आई, ठीक है। तो एक बेसिक बात बन गई, इनके आने से पहले क्या चल रहा था वो कहानी हमारे पास बन गई। चलो अब मैं अगली स्लाइड पर चलता हूँ। अगली स्लाइड पर जाएं तो आप देखो क्या चीज मेरे पास निकल के आई कि सबसे पहली जो आर्य भाषा थी उसे हमने नाम दिया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो जब आर्य हमारे देश के अंदर एंटर करते हैं 1500 ईसा पूर्व में, जब आर्य हमारे देश में एंटर किए तो यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले जिस भाषा को अपनाया वो भाषा कौन सी थी? तब आंसर होगा वैदिक संस्कृत। आर्य अपने साथ जिस भाषा को लेकर के आए या आर्यों की जो भाषा थी उसे किस नाम से जानते? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब है वो संस्कृत जिसका प्रयोग वेदों में किया गया है। वैदिक संस्कृत का मतलब है वो भाषा जो आर्यों की मूल भाषा थी जिसे वो यहाँ पर लेकर के आए। वैदिक संस्कृत का मतलब है एक ऐसी संस्कृत जो जटिल थी, एक ऐसी संस्कृत जो नियमों के अनुसार बोली जाती थी। तो पहली भाषा जिसका जन्म भारत में हुआ उस भाषा का नाम था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 BC से चलती है। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग तिथि बताते हैं, लेकिन कहते हैं देखो भाषा का सबसे बड़ा गुण क्या है कि समय के साथ भाषा में परिवर्तन आएगा, भाषा एक जैसी नहीं रहेगी। आप और हम जो भाषा बोल रहे हैं ये भाषा हमारे बच्चों की हो इस बात के चांसेस बहुत कम है। मैंने स्कूल में जिस भाषा में पढ़ाई करी वो भाषा हिंदी है, हिंदी। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मैं स्कूल में जिस भाषा में पढ़ता था वो भाषा हिंदी थी। पर मेरे बच्चे जिस भाषा में स्कूल में पढ़ेंगे वो भाषा, अब ये मत समझना कि मास्टर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में रखेगा, ना, हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चे को, पर मेरे बच्चे की भाषा हिंदी नहीं होगी, मेरे बच्चे की भाषा इंग्लिश होगी, पक्की बात है। इंग्लिश चलती ना आजकल, इंग्लिश। मैं सुसु मंदिर विजय मंदिर में पढ़ा, वहाँ हिंदी बिल्कुल कृपया श्री श्रीमान प्रातः स्मरण सब चलते थे। आज पॉसिबल ही नहीं है ना। आज हम जिस भाषा को प्रयोग में ला रहे हैं क्या ये भाषा हिंदी है? नहीं ना, भाषा का स्वरूप बदल चुका है। भाषा के बीच में इससे ज़्यादा क्या बदलेगा कि मैं हिंदी भाषा पढ़ा रहा हूँ और अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, पढ़ा मैं हिंदी रहा हूँ लिख मैं अंग्रेजी में रहा हूँ। तो भाषा बदल रही है। अब कौन सी भाषा कि बोलते बोलते बीच में थैंक यू शब्द बहुत कॉमन सी बात है, एक्सक्यूज़ मी बोल देना बहुत कॉमन सी बात है, और एक्सक्यूज़ मी का हिंदी मतलब क्या होता है मुझे पता भी नहीं है और पता करना भी नहीं है। एक्सक्यूज़ मी के साथ मैं कम्फर्ट हूँ, थैंक यू के साथ मैं कम्फर्ट हूँ, धन्यवाद श्रीमान किसको बोलेंगे? वो बोलेगा पागल हो गया ही ना। तो भाषा बदलती है भाई। भाषा का सबसे बड़ा गुण क्या है कि भाषा अपना रूप परिवर्तित करती है कुछ समय बाद। तो शुरू में जो भाषा भारत में चली उसे वैदिक संस्कृत कहा गया, लेकिन कहते हैं कि 800 BC के आसपास ये भाषा, या कुछ लोग कहते हैं 1000 BC के आसपास वैदिक संस्कृत बिखरने लगी, खराब होने लगी, खराब नहीं सरल होने लगी। कि वैदिक संस्कृत तो बहुत कठिन है, उसमें तो बड़े व्याकरणिक नियम है। तो ये वैदिक संस्कृत जब टूटी तो इससे जिस संस्कृत का निर्माण हुआ उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। इसे लौकिक संस्कृत कहा गया, इसे लौकिक संस्कृत ये नाम दिया गया। सबसे पहले आर्य जब यहां पर आए तो वो जो भाषा लेकर के आए उसे नाम दिया गया वैदिक संस्कृत, और उससे जो भाषा टूटी उस भाषा का नाम लौकिक संस्कृत। लौकिक का मतलब होता है लोक, जनमानस की भाषा, नॉर्मल हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करें। आपका पेपर हो रहा है, समझो पहले मेरी बात को, कि आप पेपर दे रहे, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का आप एग्जाम दो उसमें हिंदी भाषा को ऐड किया गया क्योंकि हमारी राजभाषा है हिंदी ना। तो हिंदी के जो प्रश्न वहां आपसे पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में, आपसे हिंदी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो क्यों, मतलब आप ये क्यों पूछ रहे हो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण क्यों पूछ रहे हो आप? क्योंकि आपको कल के दिन आप जिस भी पोस्ट पर जाते हो वहां पर आपको जो काम करना है ना, आप कहोगे ना हिंदी तो हमें आती है क्या जरूरत है व्याकरण की, क्या जरूरत है? नहीं सर, जब आप जिस पोस्ट पर जाओगे ना वहां जब आप अपना काम करोगे, ऑफिशियल काम करोगे, कल के दिन तुम जब असाई बन गए और असाई बनने के बाद जब तुम्हें लेटर टाइप करना है तो आरा जारा नहीं लिखना ना उसमें, वहां जरूरत पड़ेगी ना उस भाषा की। इसलिए आपसे सिलेबस में डाल दिया भैया व्याकरण का, पत्र लेखन तुमको पता होना चाहिए, पत्र कैसा लिखा जाता है, बाकी तो ट्रेनिंग में सिखा देंगे आपको, परंतु जो भाषा आपके राजकाज की है
क्या वही भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, तो आम जनमानस की भाषा अलग है। तो जो आम जनमानस की भाषा थी उसे क्या नाम दिया गया? उसे लौकिक संस्कृत नाम दिया गया। बस ये मानो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके और 500 ईसा पूर्व तक यही दो भाषाएं चली, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। अब 500 ईसा पूर्व में जाने से पहले एक बात बस आप समझ लो कि हमारे पास प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में हम दो भाषाएं लेंगे, वैदिक और दूसरा लौकिक। 500 ईसा पूर्व में क्या बड़ी घटना हुई? तो सर 500 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो वो अपने उपदेश देना चाह रहे थे सबको। महात्मा बुद्ध अपने उपदेश उस व्यक्ति तक भी पहुंचाना चाह रहे थे जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसने व्याकरण ही नहीं पढ़ा, जिसको संस्कृत पढ़नी ही नहीं आती है, जो लोकल भाषा में बात करता है, नॉर्मल भाषा में। इसलिए जब महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत में नहीं दिए, क्योंकि संस्कृत में दोगे तो 100 में से 10 ही समझ पाएंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, संभ्रांत वर्ग के राजा महाराजा सेनापति ये समझ जाएंगे, पर जो आम जन है जो कभी स्कूल ही नहीं गया, पढ़ाई नहीं करी उसने, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जब महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने अपने उपदेश सरल भाषा में दिए, अपने उपदेशों को के लिए उन्होंने सरल शब्दों का प्रयोग किया। जैसे उन्हें कहना हो पाणी ग्रहण, तो तुम तो हो पढ़े लिखे ग्रेजुएट, का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा पाणी ग्रहण तो कठिन हो गया ना, पानी को पीना ना, सादी 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 के लिए संस्कृत में हुआ ना कठिन। तो मैं बुद्ध हूं, अब मैं उपदेश देना चाह रहा, पाणी ग्रहण हो गया, तुम्हें लगा कि पानी पी लिया मास्टर ने ना, तो कठिन थी भाषा संस्कृत, तो इसलिए उन्होंने पाणी ग्रहण के स्थान पर क्या कह दिया, सादी कह दी। तो 500 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत छोड़ दी, और उसकी जगह पर उन्होंने जिस भाषा में अपने उपदेश दिए वो भाषा क्या कहलाई, पाली। तो यहां से आर्य भाषाओं का दौर बदल गया। तो यहां से अब जो प्राचीन आर्य भाषाएं थी वो बदलकर हम किस युग में पहुंच जाएंगे, मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। और ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनका दौर 500 BC से लेकर और कब तक, 1000 AD तक, 1000 ईस्वी तक, 500 BC से लेकर के और 1000 AD तक पूरा जो दौर था उसमें मध्यकालीन आर्य भाषाएं ही हमारे समाज में प्रचलित रही। महात्मा बुद्ध ने जिस भाषा में अपने उपदेश दिए वो कौन सी भाषा थी, नाम नहीं, नाम छोड़ो नाम क्या था उसका, पर वो कौन सी भाषा थी, वो भाषा थी जो आम जनमानस बोलता था, आम जनमानस जो भाषा बोलता था, उस भाषा का नाम भाषा वैज्ञानिकों ने पाली बताया है, पाली। और पाली अगर आप देखो संस्कृत तो ये आर्यों के साथ आने वाली भाषा है, पर पाली वो भाषा है जो भाषा हमारे यहाँ जो लोकल लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, जो सामान्य जन थे, वो लोग बोला करते थे। इसलिए पाली से अगर कभी प्रश्न बने आपकी परीक्षा में तो याद रखना पाली भारत की प्रथम जन भाषा है, या पाली ही भारत की प्रथम लोक भाषा है। हमारे भारत में जितने लोग रहते थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, पाली इस दौर में। बाद में उन्होंने और भाषाओं का प्रयोग करना शुरू किया, तो भारत में जो प्रथम जन भाषा है वो किसे कहते हैं, पाली को, या प्रथम लोक भाषा किसे कहा जाता है, पाली को। तो 500 ईसा पूर्व से और 100 ईसा पूर्व तक जब तक महात्मा बुद्ध या उनके उपदेश यहां पर रहे तब तक जिस भाषा को प्रयोग में लाया गया उसे पाली कहा गया। अब मेरी बात को सुनो कि जो आम जनमानस है, जो लोकल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे उस जमाने में, वो जिस भाषा को प्रयोग में लाते थे उसे कहते थे जन भाषा और लोक भाषा। ये पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब एक हिसाब से आप समझो, इनको इतना ज्ञान नहीं था, राजा महाराजा की तरह स्कूल नहीं जाते थे, इनको किसी ने नहीं बताया कि आ एक स्वर होता है, इनको किसी ने नहीं बताया। अगर आपके गाँव में कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो आ तो बोल ही पाता है ना, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये लोग अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो ये जो भाषा बोलते थे ना, जो शब्द ये अपने मुंह से बाहर निकालते थे वो सारे शब्द नेचुरल थे। जैसे बिना पढ़ा लिखा छोटा सा बच्चा, अगर आप उसको भाषा नहीं भी सिखाओ ना, ऐसे ही छोड़ दो उसको, तो समाज में रह के इधर उधर से सुन सुन के सुनी लेगा पूरी कहानी। तो ये जो मध्यकाल में जिन आर्य भाषाओं को भारत में प्रयोग में लाया गया, ये सभी की सभी, एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, मध्यकाल में भारतवर्ष के अंदर 500 BC से 1000 AD तक भारत में जिन भाषाओं का प्रचलन रहा, ये सभी की सभी भाषाएं जो है नेचुरल लैंग्वेज कहलाती है, नेचुरल भाषाएं कहलाती है। हिंदी में नेचुरल भाषाओं को क्या कहेंगे, तो प्राकृत कहेंगे, प्राकृत। मध्यकाल में जो भाषाएं प्रयोग में लाई गई वो प्राकृत भाषाएं होती, यानी पाली जो है प्राकृत क्या है, एक भाषा का नाम है, बाद में हम भाषा का नाम भी लिखते हैं, पर यदि आपसे कोई पूछे कि प्राकृत क्या है
तो मध्यकाल में भारतवर्ष के अंदर बोले जाने वाली भाषाओं को हम सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? प्राकृत, नेचुरल। तो ये प्राकृत भाषाएं भी है, आप चाहो तो इनको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं कहो या फिर आप इनको प्राकृत भाषाएं भी नाम दे सकते हैं। और प्राकृत भाषाओं में सबसे पहले जिस भाषा का विकास हुआ वो कौन सी है? तो सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा पूछ ले तो क्या कहोगे? जिस प्राकृत भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया तो सबसे पुरानी प्राकृत भाषा कौन सी होगी? पाली। पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पहले जो भाषा चली वो पाली है, पर पाली सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा भी होगी। और 1000 बीसी तक भारतवर्ष में यही भाषा चलती रही। फिर 1000 बीसी के आसपास जब महावीर स्वामी और ये सब जैन धर्म आने लगा तो फिर उन्होंने इस भाषा को और सरल बना दिया। और फिर पाली भाषा का जो और सरलतम रूप था वो जिस नाम से जाना गया उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राकृत। इस भाषा को नाम दिया गया प्राकृत। फिर ऑब्वियस है कुछ समय के बाद भाषा टूटेगी, आपके देखते देखते हिंदी टूट गई है, हिंदी से इंग्लिश बन गई है, और चांसेस है कि कुछ सालों के बाद इंग्लिश बन जाए पूरी तरीके से ना, कई सालों के बाद ये भाषा इंग्लिश बन जाएगी। इंडिया में आज के समय अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या खूब है, और धीरे धीरे आज आपके सामने कोई आदमी अंग्रेजी बोल रहा हो तो इतना कठिन भी तो नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि तुमको लग रहा कि बेटा क्या बोल रही है, ऐसा भी थोड़ी है ना, समझ तो जा ही लोगे ना, समझ तो आ ही जाएगी या बोल भी लेंगे, क्या दिक्कत है। अगली जनरेशन हमसे बढ़िया इंग्लिश बोलेगी, उससे अगली जनरेशन अच्छी अच्छी अच्छी, हिंदी कम होती जाएगी। अच्छा एक बात और सुनो, 500 ईसा पूर्व जब पाली भाषा का जन्म हुआ तो संस्कृत खत्म नहीं हुई, संस्कृत यही है, आज भी संस्कृत चलती है भाई, खत्म थोड़ी हुई, पर इसका क्षेत्र घट गया, इसका क्षेत्र बढ़ गया। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे पहले जिस भाषा का जन्म हुआ पाली। अब इससे कुछ प्रश्न आपसे पूछे, आप अपना हिसाब से आंसर देते रहना। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? जी पाली में दिए। प्रथम जन भाषा किसको कहते हैं? पाली को। प्रथम लोक भाषा पाली। पाली के बाद जिस भाषा का जन्म हुआ उसे नाम दिया गया प्राकृत, और प्राकृत भाषा से टूटकर जो भाषा बनी उस भाषा को कहते हैं अपभ्रंश। ये जब सबसे ज्यादा भाषा टूटी, इसमें ना बहुत बड़ा अंतर नहीं आया, जो ये पाली प्राकृत था यहाँ बड़ा अंतर नहीं आया। लौकिक संस्कृत और पाली देखो कितना अंतर हो, मैं एक दो उदाहरण आपके सामने कह दूं। जैसे लौकिक संस्कृत में अगर एक वर्ड था एक, तो पाली भाषा में एक एकू बन गया, एकू है ना, एकू, इसको सरल बना दिया। जैसे कोई आदमी ग्रामीण परिवेश में रहता हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो वो एक को क्या कह देगा? एकू कह देगा। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द टूटे, ज्यादा नहीं टूटे। लेकिन प्राकृत के बाद का जो दौर था ना, उस दौर में भाषा में सबसे ज्यादा परिवर्तन आया, इसलिए इस भाषा को नाम दिया गया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब ये होता है बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट, ग्रामीण भाषा, पुरानी भाषा, या एक हिसाब से ऐसे लोगों की भाषा जिन्हें ग्रामीण परिवेश का माना गया, तो उनके लिए नाम दिया गया अपभ्रंश। तो मध्यकाल में भारतवर्ष के अंदर 500 ईसा पूर्व से और 1000 एडी तक जो भाषाएं चली उनमें सबसे पहली पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अब आपसे पूछे कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को क्या कहते हैं, तो इन सारे को एक लाइन में हम कहते थे प्राकृत भाषा। तो प्राचीन, सबसे प्राचीन प्राकृत भाषा कौन सी है? पाली। मध्यकालीन प्राकृत भाषा को प्राकृत ही कहते हैं, और आधुनिक प्राकृत भाषा को नाम दिया गया क्या? अपभ्रंश। अब एक एक दो दो फैक्ट इनके कर लो जो परीक्षा के लिए आपके काम आ सकते हैं। ऊपर से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में पहली भाषा थी संस्कृत। संस्कृत का व्याकरण लिखने वाले व्यक्ति का नाम आए तो कहना पाणिनी, अष्टाध्यायी है ना उसकी बुक, पाणिनी। संस्कृत का व्याकरण किसने लिखा? तो फिर आपका आंसर होगा पाणिनी के द्वारा लिखा गया। संस्कृत का व्याकरण किसने लिखा? तो आप नीचे से पॉइंट बना लो, संस्कृत का व्याकरण पाणिनी के द्वारा लिखा गया। पुस्तक का नाम लिखना चाहे तो अष्टाध्यायी लिख देना, अष्टाध्यायी लिख देना, ठीक है? चलो, संस्कृत का व्याकरण किसने लिखा? तब आपका आंसर होगा संस्कृत का व्याकरण पाणिनी ने लिखा। चलो अगले पॉइंट पे आओ। पाली का व्याकरण किसने लिखा? तब आपका आंसर होगा कच्चायन ने लिखा, महर्षि कच्चायन। पाली का व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? तो फिर आपका आंसर होगा पाली का व्याकरण लिखा कच्चायन ने, महर्षि कच्चायन के द्वारा पाली भाषा का व्याकरण लिखा गया, ठीक है? अब फैक्ट निकाल दो सारे। प्राकृत, दो प्रश्न प्राकृत में बनते हैं। प्राकृत, प्राकृत का व्याकरण किसने लिखा? तो आपका आंसर होगा सर वरुरुचि ने लिखा, महर्षि वरुरुचि के द्वारा प्राकृत का व्याकरण लिखा गया, महर्षि वरुरुचि के द्वारा प्राकृत भाषा का व्याकरण किसने लिखा? तो प्राकृत भाषा का व्याकरण वरुरुचि के द्वारा लिखा गया। पाली भाषा में किसने उपदेश दिए? महात्मा बुद्ध।
प्राकृत भाषा में किसने उपदेश दिए? महावीर स्वामी। और प्राकृत के भी जिस स्वरूप में महावीर स्वामी अपने उपदेश देते हैं उसे अर्धमागधी कहते हैं, आगे जाके समझेंगे अर्धमागधी में। यानी कि अगर प्रश्न कभी बने, अभी दिमाग में रखना इसको, कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो भाषा आपके पास है कौन सी? प्राकृत। पर ऑप्शन में प्राकृत है ही नहीं, क्योंकि प्राकृत अलग अलग रूपों में बंट रही थी, अभी समझ रहा उसको। तो जिन अलग अलग रूपों में प्राकृत बटी उसमें से एक अर्धमागधी अपभ्रंश था। तो महावीर स्वामी के उपदेश किस अपभ्रंश या किस भाषा में? अर्धमागधी। चलो उसको बाद में कर लेंगे। अपभ्रंश का व्याकरण किसने लिखा? अपभ्रंश का व्याकरण आचार्य हेमचंद्र ने लिखा। आचार्य हेमचंद्र के द्वारा अपभ्रंश का व्याकरण लिखा गया। अपभ्रंश का व्याकरण किसने लिखा? तो आचार्य हेमचंद्र के द्वारा अपभ्रंश का व्याकरण लिखा गया। वैदिक संस्कृत से जो भाषा निकली वो लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से जो भाषा निकली वो पाली, पाली से जो भाषा निकली वो प्राकृत, प्राकृत से जो निकली अपभ्रंश। हमारा टॉपिक क्या है? कौन सी भाषा? तो हिंदी भाषा जिससे निकली वो कौन सी है? इसका मतलब जब हम हिंदी भाषा शुरू करेंगे, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पाली का, अच्छा आपको कैसे पता या हमको कैसे पता चला कि पाली भाषा लौकिक संस्कृत से निकली हुई है? क्योंकि जब कोई आदमी पाली भाषा बोल रहा होगा ना, तो उसमें आधा से ज्यादा पार्ट तो किसका होगा? प्राकृत इससे निकली। कैसे पता? क्योंकि उसमें बहुत सारा पार्ट इसका होगा। ऐसे ही हिंदी अपभ्रंश से निकली। कैसे पता? कि जब हम हिंदी भाषा के शब्दों को देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें बहुत सारे शब्द तो अपभ्रंश के ही है। तो अपभ्रंश जो है वो मतलब हिंदी के जस्ट पहले वाला एक दौर चल रहा है। इस अपभ्रंश से ही क्योंकि हिंदी का जन्म हुआ, तो इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, इसके बाद अपभ्रंश बना देंगे। एक तो अपभ्रंश का सबसे पहले व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद्र। और अपभ्रंश का पहला कवि, हालांकि ये साहित्य का पार्ट है फिर भी यहां लिख लो, स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू, स्वयंभू को सबसे पहला कवि जो है वो माना गया, सबसे पहले स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू, स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि हैं। स्वयंभू अपभ्रंश के पहले कवि हैं। लिख लो एक रचना का नाम, पौमचरिव। पौमचरिव किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू, अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू है। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू जो है इनको अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। ठीक, अब यहां पर दो मिनट के लिए रुक जाओ और फिर आगे कहानी बढ़ाते हैं। देखो जी, वैदिक संस्कृत से निकली लौकिक, लौकिक से निकली पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश से निकली जो भाषा, उस भाषा को कहा गया हिंदी। लेकिन जिस समय अपभ्रंश भाषा टूटकर हिंदी बन रही थी, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, वो स्टेज जिस समय आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यार भाषा में तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, तो जिस समय अपभ्रंश हिंदी में बदल रही थी, कब? तो इसके लिए भी फिर विद्वानों में अलग अलग मत है, लेकिन मैं एक तिथि लिख देता हूं, 900 ईस्वी से लेकर के 1000 एडी तक। ये देखो 1000 एडी तक कौन सी भाषाएं चल रही है? मध्यकाल। तो जिस समय अपभ्रंश हिंदी में कन्वर्ट हो रही थी, तो उस दौर को हम क्या कहेंगे? हिंदी, जिस समय अपभ्रंश भाषा हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो रही थी, उसे हम कहेंगे अपभ्रंश भाषा का संक्रमण काल। संक्रमण काल, संक्रमण काल मतलब इस समय यह भाषा इसमें कन्वर्ट हो रही थी। और सबसे ज्यादा कन्वर्ट कब हुई? 900 से लेकर 1000 ईस्वी में। ऐसा नहीं होगा ना कि 1000 ईस्वी से, मतलब आज हमारा 999 ईस्वी खत्म हो रहा, 31 जनवरी 999 भाषा क्या चल रही थी? अपभ्रंश। और 1 जनवरी 1000 हिंदी एकदम से थोड़ी बदलेगी ना, एक दिन में थोड़ी भाषा बदलेगी। यह है संक्रमण काल, जिस समय हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो रही थी अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का जो संक्रमण काल है उसे कहा जाता है अवहट। अपभ्रंश के संक्रमण काल को अवहट कहते हैं। जिस समय भाषा किससे किस में बदली? अपभ्रंश से और हिंदी में बदली। अब अवहट से देखो कितने प्रश्न बन जाते हैं आपके। अवहट, अवहट क्या है? अवहट नाम की ये जो भाषा है इससे क्या प्रश्न बनेंगे? मैं पहला प्रश्न लिख रहा हूं, आप बताओ सही है या गलत है। मैंने लिखा कि अपभ्रंश का संक्रमण काल, जिस समय अपभ्रंश हिंदी में बदल रही थी उसे नाम दिया गया अवहट। या फिर मैं इसको यह कह देता हूं कि अपभ्रंश का उत्तरवर्ती भाषा। अपभ्रंश उत्तरवर्ती मतलब बाद का। प्राकृत से कौन सी भाषा निकली? अपभ्रंश। तो मान लो कि अपभ्रंश शुरू हुई, आज अपभ्रंश शुरू हुई, अपभ्रंश को एक
ट्रेवल करना है थोड़ा दूरी, यहां से जाना है पीछे के दरवाजे पर, जब वो यहां से चली अपभ्रंश तो इसका नाम है अपभ्रंश, ये है अपभ्रंश, बोर्ड के लास्ट कोने पर जाना है, इसका नाम क्या है अपभ्रंश, चलो 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 एंड में गई, नाम क्या बन गया अवहट, यानी अपभ्रंश का ही अंतिम रूप क्या कहलाया अवहट कहलाया। और अवहट भाषा के अंदर याद रखना, जब कभी अवहट भाषा की बात आती है तो अवहट भाषा में कई सारे विद्वानों ने ये मानने से ही मना कर दिया था कि अवहट नाम की कोई भाषा ही है, उन्होंने छोड़ दिया था, अवहट को भाषा माना ही नहीं गया, इसलिए आप देखते होंगे कई बार जो है ये एक बड़ा डाउट रहता है कि कुछ लोग बोलते ही नहीं कि अवहट कोई भाषा ही नहीं थी, मानते ही नहीं है उसको। लेकिन जब हम अपभ्रंश के बाद वाले कालखंड या अपभ्रंश के कालखंड को देखते हैं तो एक बहुत बड़े कवि का नाम हमारे सामने आता है, और आपने कवि का नाम सुना हो तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना है तो याद रखना एक कवि हुए जिनका नाम था विद्यापति, और इनकी एक रचना है जिसका नाम था कीर्ति लता। तो विद्यापति ने कीर्ति लता नाम की एक पुस्तक की रचना करी, और ये पुस्तक जिस भाषा में लिखी गई उस भाषा का नाम था अवहट। तो अवहट की सबसे बड़ी रचना किसको मानते, कीर्ति लता, कीर्ति लता, अवहट की सबसे बड़ी रचना है कीर्ति लता, और कीर्ति लता के रचनाकार कौन थे, विद्यापति। तो आप मोटा मोटा देखोगे तो अवहट कोई भाषा नहीं है, पर अपभ्रंश जिस समय हिंदी में कन्वर्ट हुई, यानी कि अपभ्रंश का जो संक्रमण काल था जिस समय वो हिंदी में कन्वर्ट हो रही थी, बस उसी भाषा को नाम दिया गया अवहट। तो अगर हम हिंदी की यात्रा देखें तो हिंदी की यात्रा संस्कृत से शुरू होती है, संस्कृत से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली का व्याकरण देख लो एक बार फटाफट, कच्चायन, पाली का व्याकरण कच्चायन, प्राकृत का व्याकरण वरु रुचि, अपभ्रंश का व्याकरण हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र, हिंदी तो पढ़ना ही है खैर बाद में ना, हिंदी तो पूरा ही पढ़ लेंगे, और अपभ्रंश टूटी हिंदी में, बीच का कालखंड कहलाया अवहट, इस कालखंड को अवहट नाम दिया गया। अवहट के बाद जो भाषा बनी उसे कहते हिंदी। तो अब हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा खत्म हो गई, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा खत्म हो गई, अब चलो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर। अब तीसरा जो कालखंड है इसे कहते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय, लेकिन एक एक थोड़ा सा एक टॉपिक कर लो, एक एक प्रश्न और कर लो। चलो आगे बढ़ने से पहले यहां से प्रश्न आ जाते, कहां से, अपभ्रंश से। अब ये जो अपभ्रंश था, जब पाली से टूटी प्राकृत बनी, प्राकृत से टूटी तो क्या बना अपभ्रंश। अब देखो जिस समय अपभ्रंश का युग था, अपभ्रंश के युग में भाषाएं सबसे ज्यादा टूटी, तो जब भारतवर्ष में अपभ्रंश भाषा चल रही थी तो अपभ्रंश का तो मतलब ही होता है टूटना, अलग अलग भागों में टूटना, तो अपभ्रंश कोई एक भाषा नहीं है जो पूरे इंडिया में एक जैसी चल रही होगी। जिस समय अपभ्रंश का जन्म हुआ तब अपभ्रंश को अपने अपने अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो जो अपभ्रंश भाषा है, मैं यहां पर दो तीन पॉइंट लिख रहा हूं, इनको आप समझना, जो अपभ्रंश भाषा है जिस समय ये भारत में चल रही थी तो अपभ्रंश के कितने रूप थे जो इंडिया में चल रहे थे, तो फिर आंसर होगा 7 रूप, यानी 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषा इंडिया में चल रही थी। अपभ्रंश के कितने रूप चल रहे थे, तो 7 प्रकार। देखो 7 प्रकार कहां थे, सबसे पहले ये देखो जम्मू कश्मीर का ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहां जिस अपभ्रंश का जन्म हुआ इस अपभ्रंश को नाम दिया गया ब्राचड़ अपभ्रंश। ये देखो यहां जो अपभ्रंश का जन्म हुआ, यहां जो भाषा बोली जाती थी, जो अपभ्रंश यहां बोली जाती उसे बोलते थे ब्राचड़, यानी अपभ्रंश का पहला रूप यहां देखने को मिला, इसको बोलते हैं ब्राचड़ अपभ्रंश। फिर आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये देखो ये कहां पहुंचा मैं, पंजाब। तो पंजाब सिर्फ आज पंजाब ही है ना, पॉलिटिकली पंजाब का मतलब उसमें पाकिस्तान पूरा आ जाएगा, क्योंकि पश्चिमी जो पंजाब था वो आज पाकिस्तान बन गया। तो इस पंजाब के रीजन में जिस अपभ्रंश का निर्माण हुआ उसे कहा गया पैसाची। तो यहां अपभ्रंश का जो रूप चल रहा था उसे नाम दिया गया पैसाची अपभ्रंश। अपभ्रंश के कितने रूप होते हैं, 7। पहला अपभ्रंश ब्राचड़, दूसरा अपभ्रंश जो पंजाब में विकसित हुआ उसे बोलते हैं पैसाची। ये देखो उत्तराखंड के पहाड़ों में, तो इसका मतलब सिर्फ उत्तराखंड नहीं, बगल में नेपाल है, बगल में हिमाचल है, पहाड़ों में जिस अपभ्रंश का जन्म हुआ उसे कहा गया खस अपभ्रंश। क्यों, क्योंकि उत्तराखंड पर इस समय किसका शासन था, खसों का शासन, तो खस लोग शासन कर रहे थे, तो यहां जिस अपभ्रंश का निर्माण हुआ इस अपभ्रंश को खस नाम दिया गया। एक शब्द में लिख दे रहा हूं इसका मतलब समझना, एक शब्द है सूरसेन। हम पौराणिक इतिहास पढ़े तो सूरसेन का मतलब है सूर प्रदेश, और सूर प्रदेश मतलब मथुरा। सूरसेन किसका नाम था, मथुरा का नाम, सीधा मथुरा पहुंचो, मथुरा, जो मथुरा है ये देखो ये उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यहां पर है मथुरा,
और इस मथुरा में जिस अपभ्रंश का निर्माण हुआ, क्योंकि मथुरा का पुराना नाम क्या था, सूरसेन, इसलिए यहां जो अपभ्रंश विकसित हुआ क्या कहलाया, सौर सैनी अपभ्रंश कहलाया। यहां पर जो अपभ्रंश विकसित हुआ उसे कहा गया सौर सैनी, सात रूपों में, दो ये दो यह। अब नीचे आओ, देखो महाराष्ट्र के अंदर जो भाषा अपभ्रंश के दौर में विकसित हुई उसका नाम ही क्या होगा, महाराष्ट्री होगा, महाराष्ट्री। दो ये चार, पांच ही हो गए, पांच। ठीक है, ये देखो जब अपभ्रंश का दौर चल रहा था तो पूर्व अपभ्रंश कोई संस्कृत की तरह नहीं है, ऐसा कोई संस्कृत की तरह नहीं है कि फिर नॉर्थ टू साउथ एक ही चलेगा, कि माता मातु बोल रहे हैं तो मातु ही कहेंगे, पितु है तो पितु ही होगा, नहीं, अलग अलग बदलेंगे। अपभ्रंश के तो अलग रूप है, मातु शब्द टूट के अगर माता बन गया तो अगर ब्राचड़ वाले उसको माता कह रहे हैं तो महाराष्ट्री वाले उसको आई कह रहे हैं, उत्तराखंड वाले उसको वही कह रहे हैं, है सबका मतलब माँ ही, टूट गई भाषा। तो अपभ्रंश सात रूपों में विकसित हुई, ब्राचड़, पैसाची, खस, यहां जो भाषा चली सौरसैनी मतलब सूरसेन प्रदेशों में, और यहां जो भाषा चली उसको बोला गया महाराष्ट्री। अब एक बात को आप देखो जरा, ये देखो यहां से आप समझना, ये जो आपका बिहार है, बिहार, बिहार के बगल में ये पूरा का पूरा जो बंगाल है, झारखंड, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ना, इसी क्षेत्र को आप प्राचीन इतिहास में मगध कहते हो, मगध, मगध राज्य का उत्कर्ष जब हुआ तो मगध कौन सा महाजनपद था, यही तो था। तो इस मगध जनपद में जो भाषा या जो अपभ्रंश विकसित हुआ उसे कहा गया माघधी। यहां पर जिस अपभ्रंश का जन्म हुआ, जो अपभ्रंश निकला उसे माघधी कहा गया, और इसके ठीक बगल में उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा, इस हिस्से पर क्या देखा गया कि उत्तर प्रदेश के इस हिस्से पर जो लोग रहते हैं उस उनकी भाषा पर इस माघधी भाषा का भी प्रभाव था, और बाकी अपनी भाषा तो उनकी थी ही थी। तो ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र होता है, यहां जिस अपभ्रंश का जन्म हुआ उसे कहा गया अर्ध माघधी, आधा माघधी। तो जो अपभ्रंश भाषा है, जो अपभ्रंश है इस अप, और बाकी क्षेत्र क्यों छोड़ दिया सर, यहां तो आर्यों की पूर्व भाषा चल रही है ना द्रविड़, तो वहां तो द्रविड़ ही चलेगी, जहां ऑस्ट्रिक चल रही है जनजातीय क्षेत्रों में वहां तो ऑस्ट्रिक ही चल रही है। तो जब पाली से प्राकृत टूटा, प्राकृत से जब अपभ्रंश बनी तो अपभ्रंश के कितने रूप हुए, सात, और इन्हीं अपभ्रंश के सात रूपों से बाद में भाषा, जब यही और टूट टूट के नई नई भाषाएं बनी। तो आप ये चीज तो जानते होंगे, पहले से पढ़े होंगे, फिर भी एक बार मुझे बता दो कि ब्राचड़ अपभ्रंश से जो भाषा निकली वो क्या कहलाई, बताओ ये कौन सा क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये सिंध क्षेत्र है, सिंधु घाटी की सभ्यता, तो ब्राचड़ से जो भाषा निकली सिंधी भाषा। ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली, भाई क्षेत्र देखो, क्षेत्र कौन सा है, सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधी भाषा निकल गई। यह है पैसाची, पैसाची कहां पर, पैसाची अपभ्रंश का जन्म हुआ है पंजाब में, तो भाषा कौन सी निकलेगी, पंजाबी, इससे जो भाषा निकली उसका नाम हो गया पंजाबी। इसी पैसाची से एक और भाषा भी निकली लहंदा, जो आपके जम्मू कश्मीर की भाषा है, तो देखो यही क्षेत्र है ना, क्षेत्र एक ही है, तो इसी पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा, लहंदा जो है वो जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा है, तो ये दोनों की दोनों भाषाएं किससे निकल गई, पैसाची से। खस अपभ्रंश से जो भाषाएं निकली वो गढ़वाली और कुमाऊनी है, हिमाचली भी लिख सकते हो आप इसमें, गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, क्योंकि पहाड़ों में खस अपभ्रंश चल रहा था, तो इससे जिस भाषा का जन्म हुआ वो गढ़वाली और कुमाऊनी है ना। चलो महाराष्ट्री अपभ्रंश से जिस भाषा का जन्म हुआ वो कौन सी हुई, सर मराठी हो गई, इससे जिस भाषा का जन्म हुआ वो कौन सी बन गई, मराठी। बस ये बचे दो तीन उपभ्रंश, आराम से आप कर सकते हो। सौर सैनी जो अपभ्रंश है, मेरी बात सुनो कि जब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की तो हिंदी भाषा में तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ में है, साउथ में तो हिंदी भाषा है भी नहीं, और नॉर्थ में भी अगर आप देखोगे तो इस पूरे अपभ्रंश के केंद्र में जो राज्य बैठा है वो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में भी बड़ा, उत्तराखंड भी पहले उसी में था। तो जब भी हिंदी भाषा की बात हो तो आप नक्शा उत्तर प्रदेश का दिमाग में याद रखो। तो इस उत्तर प्रदेश को बांटते हैं हम बीचों बीच से दो टुकड़ों में। अब उत्तर प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां की भाषा और उधर की भाषा बिल्कुल अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो पश्चिमी हिंदी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो पूर्वी हिंदी। तो देखो सौर सैनी अपभ्रंश कहां था, पश्चिम में, पूर्व में, पश्चिम में, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो सौर सैनी अपभ्रंश से जो पहली भाषा निकली वो पश्चिमी हिंदी है, पहली भाषा जो निकली वो पश्चिमी हिंदी है। ये देखो पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र यहां पर है मथुरा, और ठीक बगल में आप देखोगे तो बगल वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, तो दूसरी भाषा कौन सी निकली, तो सर राजस्थानी। इसी से जिस दूसरी भाषा का जन्म हुआ उसे राजस्थानी कहा गया,
तो ये सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली तो बगल में राजस्थान है, तो यहाँ भी यही भाषा चल गई, राजस्थानी। राजस्थान के नीचे कौन है? गुजरात। तो कौन सी भाषा निकली? गुजराती। यहाँ से आपका गुजराती भाषा का जन्म हुआ। अर्धमागधी, देखो आप अर्धमागधी का रीजन क्या है? उत्तर प्रदेश का उधर वाला क्षेत्र, और उधर वाले क्षेत्र में कौन सी हिंदी बोलते हैं? पूर्वी हिंदी। तो अर्धमागधी से जिस भाषा का जन्म हुआ सर्व पूर्वी हिंदी कहलाई। ये देखो ये पूर्वी हिंदी कहलाई। अब बस एक अपभ्रंश बचा हुआ है मागधी, उसका नक्शा देखो, कहानी खत्म। उसके नक्शे में देखो सबसे पहले वो नक्शा कहाँ से शुरू हो रहा है? बिहार। तो कौन सी निकलेगी? बिहारी। और कोई बिहारी के अलावा मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकलेगी? ये सब उड़िया, बंगाली, सब किससे निकलेंगे? मागधी अपभ्रंश से, चाहे वो बंगाली भाषा हो, चाहे वो आपकी उड़िया भाषा हो, क्योंकि मागधी क्षेत्र ही वहां है ना। मागधी का क्षेत्र कहाँ है? उधर। तो मागधी का जब क्षेत्र वहां है तो बिहारी, बंगाली, उड़िया जो भी भाषाएं होंगी वो सबकी सब भाषाएं कौन से अपभ्रंश से निकलेगी? मागधी। जब अपभ्रंश भाषा हमारी चल रही थी तो अपभ्रंश भाषा के कालखंड में जितनी भी भाषाएं वो इन्हीं अपभ्रंशों से विकसित हो गई। अब जब ये दौर चले गया, अपभ्रंश का जब दौर खत्म हुआ, तो अपभ्रंश के बाद जो दौर आया वो किसका था? हिंदी का, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। अब देखो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितनी भाषाएं आती है? दो। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को और किस नाम से जानते? प्राकृत भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में एक दो तीन तीन भाषाएं आई, बाकी फैक्ट इसके याद करने हैं आपको। स्वयंभू इसका पहला कवि, उसकी रचना। प्राकृत का अपभ्रंश, प्राकृत का व्याकरण किसने लिखा? पाली का व्याकरण किसने लिखा? अब जब अपभ्रंश की अवस्था चली गई तो आई हिंदी की अवस्था, और 1000 एडी के बाद जो भाषाएं भारत में विकसित हुई उनको हम नाम देते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनका कालखंड कब से कब तक रहा? तो 1000 ईस्वी से लेकर आज तक जो भी चल रहा है। कई लोग 1100 ईस्वी भी कह देते हैं। तो 1000 ईस्वी से लेकर और आज तक जो भाषाएं भारत में विकसित हुई उनको आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कहते हैं। ये हिंदी का युग शुरू हो गया, अपभ्रंश खत्म, हिंदी। इसको भी हम तीन भागों में बांट देते हैं। एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का आदिकाल है, एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का मध्यकाल है, और एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का आधुनिक काल है। बस एक एक दो दो फैक्ट इसमें भी कर लो और सीधा हिंदी का विभाजन करते और खत्म कहानी। फिर धीरे धीरे, हाँ दो तीन लेक्चर लगेंगे तो फिर भाषा पूरा, ये भाषा विज्ञान के टॉपिक है सारे के सारे। ये देखो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को तीन हिस्सों में बांट देते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आदिकाल का कालखंड जो है वो 1000 एडी से लेकर और 1350 ईस्वी तक माना जाता है। इसका मतलब कि 1350 ईस्वी तक जो भाषा चल रही थी वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में भी कौन सा कालखंड था? आदिकाल, हिंदी का पुराना काल। मध्यकाल 1350 ईस्वी से लेकर और 1850 ईस्वी तक के कालखंड को कहते हैं, और 1850 खासकर 1850 की क्रांति के बाद आज तक हिंदी में जो प्रगति हुई, जो भाषा का स्वरूप बदला, वो हिंदी का आधुनिक काल कहलाया। ये देखो ये सबसे पहले की हिंदी है। आदिकाल में अपभ्रंश से जो भाषा निकली वो कौन सी थी? हिंदी। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक भारत में जिस भाषा का जन्म हुआ उसे पुरानी हिंदी कहा गया। इस भाषा को नाम दिया गया पुरानी हिंदी, और ये पुरानी हिंदी कुछ नहीं थी, अपभ्रंश का ही अवतरित रूप था ना। अपभ्रंश से भाषा किसमें टूटी? सीधा आज वाली हिंदी में थोड़ी, किसमें टूटी? पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी का मतलब क्या है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो आदिकाल था उसमें जो भाषा चली उसे पुरानी हिंदी कहा गया। पुरानी हिंदी का मतलब है हिंदी प्लस हिंदी के साथ कौन सी भाषा चलती आ रही है? अपभ्रंश। एकदम से थोड़ी खत्म होगा, अभी अपभ्रंश चलती आ रही है। तो ये वाला जो दौर है, जैसे आप साहित्य में भी पढ़ोगे ना आदिकाल, तो आदिकाल में आपको हिंदी के रचनाकार तो पढ़ने ही पढ़ने, अपभ्रंश के भी रचनाकार पढ़ने, क्योंकि यहाँ अपभ्रंश पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब हिंदी विकसित होकर मध्यकाल में आई 1350 से 1850 ईस्वी में, तो इस कालखंड में पहला काम क्या हुआ कि हिंदी भाषा से अपभ्रंश पूरी तरीके से हट गया। जो अपभ्रंश था वो हिंदी से समाप्त हो गया, हट गया। क्यों? क्योंकि 1350 से लेकर 1850 भारत पर मुगलों का अधिकार था, और इस दौर में भारत पर शासन कौन कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत चल रही है आपकी, बाबर अकबर शासन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ शासन कर रहे हैं, जो मुगलों का शासनकाल चला, तो उनकी राजकीय भाषा क्या थी?
राजकीय भाषा फारसी थी। इनकी राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। आपको भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, इसलिए क्लास पढ़ाते समय मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पर सोचो कि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ और आप पूरा हिंदी मीडियम के, और मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा और आप हिंदी में बोलते जा रहे, तो मैंने कहा कि चिंता मत करो, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। तो पता है क्या होगा कि आप इंग्लिश सीखो चाहे ना सीखो, पर मैं हिंदी जरूर सीख जाऊँगा, है ना। भाषाओं का आदान प्रदान होता है। अगर दोनों इंग्लिश इंग्लिश के हैं तो क्या दिक्कत, दोनों हिंदी हिंदी है तो क्या दिक्कत, पर एक इंग्लिश एक हिंदी, तो अगर हिंदी वाला इंग्लिश सीखेगा तो इंग्लिश वाला भी हिंदी सीखेगा, एक्सचेंज होगी भाषाएं। तो जब मध्यकाल में अपभ्रंश इस भाषा से हट गया और राजकीय भाषा फारसी थी, तो मध्यकाल में हिंदी में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि मध्यकाल में हिंदी भाषा के अंदर फारसी और उर्दू शब्द आ गए। फारसी और उर्दू शब्द ऐड हो गए होंगे ना, क्योंकि राजकीय भाषा क्या है? फारसी है। तो जो हिंदी का पुराना रूप था, अपभ्रंश गई उससे और उसकी जगह क्या आ गई, बाद में पढ़ते हैं आप इसको, क्या बोलते हैं, आगत शब्द। आगत मतलब आए, ये देखो आ गए फारसी उर्दू, क्योंकि उस समय राजकीय भाषा ही क्या थी? फारसी। तो इस समय फारसी और उर्दू शब्द जो है ये आ गए हिंदी के अंदर। खासकर ये अगर आपने देखे होंगे ना, का, ये खा, गा, जा और फा, ये हमारी वर्णमाला में व्याकरण वालों ने इनको स्थान नहीं दिया है, परंतु इस भाषा में जफर शब्द जफर बन गया, जफर। फारसी वाले क्या बोले, जफर। अब जफर अच्छा लग रहा हिंदी वालों को भी, वो भी कहने लगे जफर। जफर कैसे लिखते हैं भाई, तो जा के नीचे भाई जी बिंदी भी लगानी है, ये जफर। तो हमारी वर्णमाला में ये नहीं थे। कब आई ये? मध्यकाल। क्या बोलते हैं इनको, इन सभी को आप क्या नाम देते हैं? इनको आगत व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हमारे व्यंजन नहीं है, बाहर से आ गए, आगत व्यंजन। का, ख, ग, ज, फ, का नाम का ये जो आगत व्यंजन है, इससे कोई शब्द बताओ। जा से मैंने बता दिया जफर, है ना। फा से भी बता दूंगा फना, फारसी ऐसे बता दूंगा। का से बताओ, का, हाँ कुरान एक शब्द हो सकता है, पर कुरान में का है मूल शब्द। का, खा से बताओ, गा से बताओ। इनका प्रयोग बंद हो गया है लगभग, अब हम इनका यूज नहीं करते। आगत व्यंजनों में यही दो है जो आज भी चल रहे हैं। क, ख, ग, एक दौर रहा ना मध्यकाल जब आदमी हिंदी कह रहा है, लेकिन शब्द कहाँ से लिखा है, फारसी से। जफर कह दे रहा, फना कह दे रहा, फरिश्ता कह दे रहा। का, ख, ग का प्रयोग कभी ना कभी तो बंद होगा। कब बंद होगा सर? आधुनिक काल में। क्योंकि आधुनिक काल में कौन आ गए सर? अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों की एंट्री हुई, तो अंग्रेजों की एंट्री होने से क्या होगा, ये जो का है, ये जो खा है, ये जो गा है, इनका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया। इसलिए तो नहीं आ रहे हमको शब्द ना, क्योंकि इनका प्रयोग होता नहीं है अभी। जा से कहीं निकाल देंगे, जाफरान, जफर कुछ भी निकाल देंगे, है ना, जोरो कुछ भी कर देंगे, जाफा यहाँ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इनका प्रयोग बंद हो गया। कब बंद हुआ? आधुनिक काल में। आधुनिक काल में नाम मात्र के रह गए, और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग लगभग लगभग धीरे धीरे कम होने लगा। तो प्रयोग किसका बढ़ा गुरु जी? अंग्रेजी का बढ़ा। अंग्रेजी भाषा, इसके शब्दान लग गए। पुर्तगाली भाषा, इसके शब्दान लग गए। फ्रेंच भाषा, इसके शब्दान लग गए हिंदी में। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी का जो आधुनिक काल है, उसमें हमने ये एक शब्द ले लिया भाई, अंग्रेजों से लेना ही पड़ा। कौन सा? अ, अ, क्योंकि अंग्रेज भाई साहब जब आ रहे हैं तब वो बोल रहे हैं एक आदमी को डॉक्टर, और हमारी हिंदी में डॉक्टर कैसे लिखेंगे हम? तो या तो हम ऐसा लिख सकते हैं डॉक्टर, क्योंकि ऐसा तो कोई मात्रा ही नहीं हमारे पास, या हमारे पास ऑप्शन है ऐसा लिखते डॉक्टर, ये डॉक्टर हो गया, या फिर डॉक्टर बोल दे उसको, ये था ही नहीं तो लेना पड़ा उनसे ना। तो हिंदी के आधुनिक काल में हमने कौन सा स्वर ले लिया? तो ये कौन सा स्वर हो गया? आगत स्वर। ये आगत स्वर है, ये आगत व्यंजन है जो हमारे नहीं है और दूसरी भाषा से हमने ले ली। और भाषा जो विकसित हुई उस भाषा को क्या नाम दिया गया? उस भाषा को हिंदी नाम दे दिया गया। अब आधुनिक काल में जो भाषा हमारे देश में चल रही है ये तो हिंदी भाषा है, इसमें तो दिक्कत नहीं। आ जाओ वापिस इसी के नक्शे पर, अब हिंदी भाषा में आओ। देखो आधुनिक कालखंड में जो भाषा हम प्रयोग में ला रहे हैं वो जी हमारे पास हिंदी है। तो हिंदी भाषा है तो भैया क्षेत्र भी हमें हिंदी का ही चाहिए होगा, बाकी का क्या करेंगे ना। जब हम हिंदी भाषा की बात करेंगे तो हमें क्षेत्र भी हिंदी का ही चाहिए। साउथ का हमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो अभी भारतवर्ष के अंदर आधुनिक काल हिंदी का चल रहा है और उसमें जो भाषा हमारे पास प्रचलित है वो हिंदी है। तो मेरे हिसाब से इतने से काम हो जाएगा ना, यही तो है, क्योंकि नीचे तो हिंदी भाषा है ही नहीं। बाद में बांटेंगे इनको अलग अलग भाषा परिवारों में बांटना, ये सब करना, वो बात का बात है, परंतु अभी हमारे इसी क्षेत्र में तो हिंदी भाषा का प्रचलन है। पंजाब में तो पंजाबी भाषा बन गई,
अब हिंदी का ये क्षेत्र बन गया। तो चलो दो तीन मिनट में इसको भी खत्म करो, कल की क्लास फिर यहीं से हम चाहे तो स्टार्ट कर लेंगे। एक दो बात देखो, जिस पे ध्यान रखना है वो ये है उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश को आप समझो ध्यान से। सबसे पहले मैं इस उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट देता हूं। ज्योग्राफी कर लो, भाषा में तो ज्योग्राफी से ही काम निकल जाएगा, भाषा का नाम थोड़ा ही होता है। देखो ध्यान से आप समझना, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, देखो ये कौन सी जगह है, ये मध्य प्रदेश है सर। ये कौन सी जगह है सर, ये छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है। ये कौन सी जगह है, ये बिहार है। ये यूपी है, इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहेंगे, इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश कहेंगे। फिर देखो ये दिल्ली है, यहाँ पर इसके ऊपर चले गए तो ये कौन सा राज्य है सर, ये हरियाणा है। ये जस्ट इसके ऊपर हरियाणा है, ये कौन सी जगह है, राजस्थान है। बस कुछ ज़्यादा खास नहीं, देखो बस दो तीन बातें समझ लो। उत्तर प्रदेश में मैं दो तीन जगह जा रहा हूँ। ये देखो उत्तर प्रदेश में मैं चले गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ पे। छोड़ो भाषा भूषा छोड़ो, बताओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ कहाँ है। गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे खतरनाक जगह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गुंडागर्दी खतरनाक, सहारनपुर आपने कहा ठीक है, और सहारनपुर ये देखो उत्तराखंड से बॉर्डर बना रहा है, और बिल्कुल गढ़ सेंटर में जाओ मेरठ। भाई मेरठ ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ कहाँ है, ये देखो मेरठ। ये मैं एम लिख देता हूँ, ये यहाँ पर मेरठ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये एक स्थान है देखो, इसको बोलते हैं कन्नौज, ये कन्नौज है। अब आप उत्तर प्रदेश में आओगे तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है एक पठार जिसका नाम है, कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये देखो झांसी वगैरह जो है ना, ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड है। छोड़ो लंबा चौड़ा टाइम पास करना, सीधा भाषा पे आओ। बोलो इस क्षेत्र का नाम अगर बुंदेलखंड है तो भाषा क्या होगी, बस ऑब्वियस है, यहाँ जो भाषा बोली जाएगी उसका नाम होगा जी बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की भाषा है तो बुंदेली। ये कन्नौज है तो कन्नौज है तो फिर भाषा बोलो क्या होगी, बस क्या दिक्कत है इसमें बताओ। यहाँ कन्नौज है तो यहाँ जो भाषा बोली जाएगी इसे कह देंगे कन्नौजी, ये कन्नौजी भाषा होगी। मेरठ, मेरठ सहारनपुर देहरादून तक, हरिद्वार देहरादून, कौन सी भाषा, खड़ी, बिल्कुल ना खड़ी। यहाँ बोली कौन सी है सर, ये है खड़ी बोली। इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाएगी, खड़ी बोली। हरियाणा की जो बोली है उसको हरियाणवी कह लो, ये ज्यादा बढ़िया, बांगरू कह दो, बांगरू यहाँ की बोली है। यहाँ जिस बोली का विकास हुआ उसका नाम क्या होता है, बांगरू। ये देखो यहाँ जो बोली बोली जाती थी इसका नाम है बुंदेली, इसके ऊपर जो बोली बोली जाती थी इसका नाम है कन्नौजी। कन्नौज है ना यहाँ पर, इधर मेरठ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ जो बोली बोली जाती खड़ी बोली। करना नहीं तुमको, याद नहीं करना है, नक्शा में इसको डाल दो एक बार और बताओ ये उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। तो इनडायरेक्टली हम पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ बना रहे हैं ना, पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ बना रहे, बस और क्या कर रहे हैं। ये देखो ये बुंदेलखंड बनाया। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है, देखो छत्तीसगढ़ से लगता हुआ जो क्षेत्र है, ये एरिया आप देख रहे हो, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ये लखनऊ के पास में अयोध्या है, तो यहाँ कौन सी बोली बोली जाएगी, अवधी। तो ये बोली यहाँ बोली जाती अवधी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आसपास। ये देखो बुंदेलखंड के पठार के ठीक बगल में है बघेलखंड का पठार, पढ़ते आप ज्योग्राफी में, उत्तर प्रदेश में कौन सा पठार है, बघेलखंड। बघेलखंड का पठार है तो बोली क्या हो जाएगी, बघेली। ये लो कौन सी हिंदी बन गई जी, ये पूर्वी हिंदी बन गई जी। पूर्वी हिंदी यही तो बोली जाती है, तो पूर्वी हिंदी है तो पूर्वी हिंदी की बोलियां बना दी। फिर इसका बना देंगे ग्राफ वगैरह, टाइम है अभी एक दो मिनट। चलो अब ये देखो बिहार, बिहार का जो हिस्सा ये ऊपर इसने भाई ने जोड़ा नहीं पूरा, ये है नेपाल। ये देखो ये नेपाल है, बिहार का जो हिस्सा नेपाल से सीमा लगाता है क्या बोलते हैं इसको बताओ। कन्हैया कुमार कहाँ के, कन्हैया कुमार नेता जानते दो ना, कन्हैया कन्हैया कुमार को नहीं जानते दो, कहाँ के, मिथिला के जी, मिथिला के, मिथिला राजा जनक की राजधानी। बिहार का वो हिस्सा जो नेपाल से बॉर्डर लगाता है उसको मिथिला कहते हैं। मिथिला है तो बोली क्या होगी सर, मैथिली होगी ना, मैथिली। मगध राज्य का केंद्र है ये, यहाँ से ही तो मगध राज्य नीचे फैला हुआ था, तो यहाँ था मगध राज्य, तो मगध राज्य की वजह से जिस बोली का यहाँ जन्म हुआ मगही कहते हैं उसे, मगही। और उत्तर प्रदेश और बिहारी का मिक्सचर भोजपुरी, भोजपुरी उत्तर प्रदेश और बिहार। ये देखो यहाँ जो आदमी रहेगा उस पर उत्तर प्रदेश की अवधि छत्तीसगढ़ी बोली का भी प्रभाव पड़ेगा, तो जो नई बोली निकलेगी भोजपुरी। यही तो बना, मतलब अलग से थोड़ी करना, याद नहीं करो, याद नहीं। ये मास्टर जी से कल पूछ रहा था मैं, गुरु जी ये बता दो मेरे को ऐसा वाला, तो मास्टर ऐसा बता रहा ए बी सी याद रख, ए बी सी के एम एन एम एल एम, और भूल गए जो एल एम ना, अब भूल गए तो हो गया खत्म है ना, सिंपल है। देखो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो यहाँ बुंदेलखंड का पठार है तो बुंदेली, यहाँ कन्नौज है तो कन्नौजी, यहाँ खड़ी बोली मेरठ खड़ी बोली चलती है,
अब देखो जी, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है यहाँ से, यमुना नदी। यमुना नदी निकली, हरियाणा पहुंची, हरियाणा के बाद पहुंची उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मथुरा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी अपने अवसाद का निक्षेप यहीं करती है। जो भी लाती है अपने साथ मेटीरियल ना, सेडिमेंटल जितनी भी लेके आती, सब वहीं छोड़ देती। तो नदियाँ अपने साथ जो लेकर के आती है उसको हम लोकल भाषा में कहते हैं बजरी। तो यहाँ बिछाई उसने बजरी, तो यहाँ बजरी ही बजरी हो गई। तो उन्होंने भाषा का नाम ही रख दिया ब्रज भाषा। यहाँ जो भाषा विकसित हुई वो क्या हुई? और ब्रज भाषा हो गई, बन गए। बस फटाफट फटाफट पश्चिमी हिंदी की बोली बताओ जी, बुंदेली, कनौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, जो मर्जी कहो, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में ये बोली जाती है, ये पश्चिमी हिंदी है। ये आपकी पूर्वी हिंदी है जी, बघेली, अवधि, छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये देखो, ये पूर्वी हिंदी बन गई। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में क्या? मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये अपना उत्तराखंड है, यहाँ भी बोलते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर गढ़वाली, इधर कुमाऊनी, ये पहाड़ी हिंदी के अंदर आ गई। इसके ग्राफ कल बना देंगे, आज आप बेसिक समझ लो, तो कल ग्राफ बना देंगे। बस गढ़वाली कुमाऊनी बन गई पहाड़ी हिंदी। अब ये बच गया राजस्थान। राजस्थान में भी क्या दिक्कत है, वो बेसिक बेसिक बात, मतलब राजस्थान में तो 32 बोलियां हैं वैसे, पर हम जब हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिक बेसिक देखो। राजस्थान का जो निचला वाला क्षेत्र है, निचला वाला क्षेत्र सिंपल है, जब आप पठार पढ़ेंगे तो पठार के अंतर्गत देखते हैं, नीचे यहाँ पर पठार है कौन सा? मालवा का पठार। ये देखो मध्य प्रदेश से लगता हुआ मालवा का पठार, तो यहाँ की बोली क्या होगी? यहाँ जो बोली बोली जाती है मालवी, मालवी, मालवा के पठार के पास है ना, मालव प्रदेश। ओ, एक आपने नाम सुना उसका, कनकपाल, परमार वंश का राजा, कहाँ से? मालव प्रदेशों से आए, इधर गुजरात, धार नगरी, यहाँ से आए मालवी। ये देखो राजस्थान के ऊपरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मेवाड़। मेवाड़ तो इतना, मेवाड़ का पठार कहाँ है? इधर से, ये देखो मेवाड़ का पठार है। तो यहाँ जो बोली बोली गई उसको क्या बोला? मेवाती। इधर सबसे बड़ा स्टेशन जयपुर है, तो यहाँ की बोली जयपुर। और पश्चिम में बस ये तो मारवाड़ी क्षेत्र है, देखो ये आपका पूरा थार के मरुस्थल से लगा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ जो बोली विकसित हुई इसको क्या बोला? मारवाड़ी। तो बस यही तो है। इधर तो भाई जी गुजराती कहेंगे, ये भाई लोग मराठी कहेंगे, इनका छोड़ो जो भी उड़िया उड़िया कहेंगे, हमें तो हिंदी से मतलब है। तो हिंदी के जो रूप हमारे पास चल रहे उन रूपों में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये दोनों हो गए। बिहारी, बिहारी की हिंदी है, राजस्थानी, राजस्थानी की हिंदी है ऊपर। तो ग्राफ इसका फिर कल को बनाते है ना। तो हिंदी भाषा के विकास में बेसिक बातें क्या है कि भाई इस भाषा का जन्म कहाँ से होता है? तो ये भाषा निकल के आती है संस्कृत से। कुछ एक फैक्ट होंगे उसको एक बार कर लेना, कल इसको फिर आगे बढ़ाते, ठीक है? चलो।